हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाबर के च्यवनप्राश के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसको कैसे लेना चाहिए वो जानेंगे, इसको किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, वरना हो सकता है आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। यहाँ हम हर दिन आपके लिए अलग अलग हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, इस डाबर च्यवनप्राश में 40 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स मिले हुए हैं, जैसे कि आंवला, यष्टि मधु, पिपली, हरित की, अमालकी, मधु इत्यादि। वैसे तो इस च्यवनप्राश को सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ठंड में इसका इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। ये च्यवनप्राश हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। खासकर खांसी और सर्दी की समस्या को दूर करने में ये काफी असरदार होता है। ये हमें कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। किसी को डस्ट से एलर्जीज की समस्या रहती है या मौसम के बदलने से एलर्जीज होती है तो उस कंडीशन में भी ये हमारी मदद करता है। ये च्यवनप्राश हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में काफी मदद करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही से काम करती है। इस च्यवनप्राश का उपयोग करने से हमारे खून साफ होते हैं और इससे खतरनाक पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये च्यवनप्राश हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे स्किन को स्मूथ और शाइनी रखता है। ये स्किन पर रिंकल्स पड़ने से बचाता है, जिससे हम यंग दिखते हैं। ये च्यवनप्राश हमारे स्किन पर होने वाले एक्ने और पिंपल जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। इस च्यवनप्राश का उपयोग करने से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मजबूत रहता है, साथ ही ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी साफ रखता है, जिससे हमें सांस लेने से संबंधित कोई बीमारी जल्दी नहीं होती। इस च्यवनप्राश को रेगुलर लेने से हमारे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है। अगर कोई इंसान जल्दी थक जाता है या कमजोरी रहती है तो उसके लिए यह च्यवनप्राश काफी असरदार होता है। तो दोस्तों, काफी सारे फायदे हैं इस च्यवनप्राश के इस्तेमाल करने के, लेकिन इस च्यवनप्राश का इस्तेमाल हमें बारिश के मौसम में करने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी पाचन शक्ति जो है कमजोर हो जाती है तो ये च्यवनप्राश डाइजेस्ट होने में मुश्किल होता है। अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हाई ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या है या किसी का हाई ब्लड शुगर की समस्या है, तो उनको इस च्यवनप्राश का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें घी मिला हुआ है और साथ ही इसमें मधु भी मिला हुआ है, जो कि हार्ट के पेशेंट के लिए सही नहीं होता। गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफी अच्छा होता है। ये गर्भ में होने वाले बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इस च्यवनप्राश का उपयोग हम गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका उपयोग गर्म दूध के साथ करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसको हम सुबह खाली पेट दूध के साथ ले सकते हैं या रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका असर अच्छे से देखने को मिलता है। ये च्यवनप्राश बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 12 साल के बच्चों को आधा चम्मच सुबह और शाम के समय लेना चाहिए और 12 साल से ऊपर के उम्र के लोग 1 चम्मच सुबह और शाम के समय ले सकते हैं। ये 550 ग्राम च्यवनप्राश की जो प्राइस है वो है 210 रुपए। समय और क्वांटिटी के अनुसार इसकी प्राइस वेरी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।